हेलो साथियों, मैं आज जा रहा हूँ लकूडिहार, जो अल्मोड़ा ज़िला में पड़ता है। आप अगर आते हैं तो यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है काठगोदाम। काठगोदाम से यहाँ पर 85 किलोमीटर 90 के आसपास यहाँ अल्मोड़ा पड़ेगा। अल्मोड़ा से आप यहाँ पर चितई मंदिर होते हुए लकूडिहार को जा सकते हैं। बीच में चितई टेम्पल पड़ता है और मैं अभी चितई टेम्पल से आगे हूँ, लकूडिहार की तरफ को जा रहा हूँ और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं वो क्यों फेमस है यहाँ का लकूडिहार। ये अभी हम हैं चितई से आगे। यहाँ पर बहुत अच्छी बैठने की जगह है, बड़े बड़े पाथर हैं। इस जगह में मैगी पॉइंट भी हैं, कुछ नीचे दुकानें भी हैं, आपको दिखाते हैं। अभी ये है यहाँ पर मैगी पॉइंट है और चाय है भी पी सकते हैं आप लोग। और थोड़ी देर रेस्ट करके फिर निकलते हैं लकूडिहार, फिर वहाँ से जागेश्वर को भी आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जिसको दल कहा जाता है यहाँ पर, और यहाँ का नाम आगे दल बैंड भी है, इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े दल हैं। अक्सर यहाँ पर लोग थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बैठते हैं और इस वादियों में वो बड़े बड़े चीड़ के पेड़ और उसके बीच से रास्ता निकलता है, बहुत अच्छा लगता है। इन जगहों में आप अल्मोड़ा से जब निकलते हैं तो रास्ते में चितई मंदिर पड़ता है और वहाँ से आप लोग सीधे ये जगह आके आगे लकूडिहार होते हुए जागेश्वर जा सकते हैं। है भी नीचे सामने रोड है, अब ले चलते हैं हम आगे को आपको। दोस्तों, ये अल्मोड़ा से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लकूडिहार। आप देख सकते हैं लकू कैब्स, ये यहाँ से रास्ता है पैदल। ये रोड सीधे आगे को जागेश्वर को निकली, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ वाली रोड। अब हम निकलते हैं शांतियों, ले चलते हैं आपको पुरातात्विक काल की ओर। और कहने का मतलब है कि इतिहास से पूर्व का युग या समय कह सकते हैं, यानी कि वो काल जब मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं सीखा था और न भाषा और का विकास हो पाया था, तो उस समय का ये लकूडिहार है। लकूडिहार का मतलब ये है कि लाखों साल पुराना जो इतिहास है उसके बारे में लकूडिहार करके नाम पड़ा, लाखों साल पुराना इसको माना गया। तो ऐसे गुफाओं में वो अपना आश्रय लिया करता होगा, उस समय की कला यहाँ को देखने को मिलती है। ये दल बैंड के नाम से यहाँ पर, आप कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पर नदी आप देख सकते हैं नीचे, और यहाँ पर जो उनकी चित्रकला चित्रांकन आप देखेंगे बहुत बारीकी से, उस समय भी कला को जानने लग गया होगा मनुष्य। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ऐसी लहराती लहरेदार रेखाएं, और आगे कहीं पर लाल और सफ़ेद रेखाएं हैं, और उस समय के चित्र हैं जो अभी भी समझ में नहीं आते हैं। और कहीं पर हाथ पकड़े हुए लोग का चित्र यहाँ पर है। इन जगहों में उस समय मनुष्य रहता होगा। इसका बहुत ऐतिहासिक एक महत्व है साथियों, आप ये देख रहे हैं ऊपर। और बताया जाता है कि इसकी खोज महेश्वरी प्रसाद जोशी
ने की, जिन्होंने 1969 में अल्मोड़ा के दलबेंड नामक जगह में लकूढ़िहार गुफा की खोज की। ले चलते हैं आपको ऊपर इसके टॉप पे, छत पे। यहाँ से प्रकृति का आपको नज़ारा दिखाते हैं। ऐसे ही गुफाएं बहुत जगहें हैं, उसमें यहाँ पर मनुष्य जो है अपना समय बिताता होगा या अपना आश्रय लेता होगा। ये आप देखें आगे, बिल्कुल सामने रोड है।